चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। डालिए, टॉपिक आज का है अचर गुणांकों वाले समघाती रैखिक समीकरण में परिवर्तनशील समीकरण। इतना लंबा टॉपिक है कि समझने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें। इंग्लिश में लिखें इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये इसका नाम इंग्लिश में है। और पहले मैं इसे हल्का सा आइडिया दे देता हूँ आपको, फिर उसके बाद लिखवाना शुरू करता हूँ। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, हमने अभी तक जो इक्वेशंस पढ़ी हैं वो इस तरह से होती थी कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस थ्री डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर। इस तरह से इक्वेशन है। तो इसमें ये होता था कि जब चैप्टर ये शुरू भी हुआ था तब भी मैंने बताया था कि इसके नाम में विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स आना चाहिए, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट आना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे बुक्स में नहीं लिखा था ये बात। आज जा करके जब हम लास्ट में पहुँचे हैं तब जा करके उन्होंने ये बात लिखी है कि कुछ ऐसा इक्वेशंस दी हो सकती हैं हमें जो होमोजीनियस हों, लेकिन उन्हें हम इस तरह की इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मैं बता दूँ आपको किस तरह की इक्वेशन केवल कन्वर्ट हो पाएंगी। आपका डी टू बाई डी एक्स टू है तो उसके साथ एक्स स्क्वायर लगा हो अगर, प्लस थ्री डी वाई बाई डी एक्स है तो उसके साथ एक्स लगा हो केवल, प्लस टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर इस तरह की इक्वेशन आपके पास है तो ये इक्वेशन कहलाएगी इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। मतलब इस वाली इक्वेशन को उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट्स जो हैं वो कांस्टेंट नहीं है, ये जो है नॉट कांस्टेंट्स। ये तो है कांस्टेंट टू, लेकिन यहाँ पर देखिए एक्स मिला हुआ है और इस वजह से ये वैसी टाइप की इक्वेशन नहीं है। लेकिन हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करके इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगी तो जो तरीके हमने अभी तक पढ़े हैं उनसे वो सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, बात आ रही है होमोजीनियस वर्ड कहाँ पे लग रहा है, क्यों लग रहा है। तो जैसे पहले हम होमोजीनियस वर्ड यूज़ करते थे उससे यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर होमोजीनियस का मतलब ये है कि अगर आपका डेरिवेटिव टू पावर का है तो आपका एक्स का जो इसके साथ कोफिशिएंट लगा है वो भी टू पावर का है। अगर आपका डेरिवेटिव वन पावर का है तो उसके साथ जो ये एक्स लगा है वो भी वन पार का है। इस सेंस में होमोजीनियस कहा जा रहा है उसको। तो कहने का मतलब है इस तरह के अगर हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशंस हैं विद, तो हम उसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चैप्टर के क्वेश्चन इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा, लेकिन पिछली एक्सरसाइज भयंकर थी। तो चलिए हम लिखना स्टार्ट करते हैं, इसी को जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखेंगे हम। अच्छा, इसका दूसरा नाम भी लिख लीजिए इस तरह के इक्वेशंस को, यूलर कॉची समीकरण, ये भी नाम होता है इसका, ये ला है यूलर कॉची इक्वेशन। इंग्लिश में कहेंगे तो ई यू एल ए आर यूलर सी ए यू सी एच वाई कॉचीज इक्वेशन, ये भी इसका नाम चलता है। अब हम देखिए ध्यान से लिखेंगे, ऐसे समीकरण जो, अब हम फॉर्मेट लिख देंगे के रूप के हैं। कौन सा रूप वो अभी हम लिख देंगे। तो देखिए a ज़ीरो x टू द पावर n डी एन वाई बाई डी एक्स एन, मैंने बताया था कि अगर n पावर का डेरिवेटिव है तो n पावर में ही x आ जाएगा यहाँ पे, इसके अलावा नहीं हो सकता क्वेश्चन, वो आपके सिलेबस में नहीं है कुछ भी। जितनी इसकी पार इतनी ही इसकी पार आएगी। अगर एक्स स्क्वायर है तो डी टू बाई डी एक्स टू आएगा, एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, एक्स क्यूब है तो डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री आएगा। ये आप ध्यान ले दीजिए, इसी तरह के क्वेश्चन है आपके पास। और कोई ये कॉन्स्टेंट और लगा हो सकता है, जैसे टू लगा दें, थ्री लगा दें, इस तरह का लगा दें। उसके बाद ए वन,
x टू द पावर n माइनस वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन। ये एक पावर डेरिवेटिव की कम हुई है, तो x की भी एक पावर कम हो गई है, कांस्टेंट एक दूसरा लगा दिया है। इसी तरह से अगर हम अगला लिखें तो a2 x टू द पावर n माइनस टू डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस टू। अब पैटर्न समझ में आ रहा होगा आपको, n एक एक कम होता चला जा रहा है और जो वो कमी आ रही है वही यहाँ पे a1 के साथ लगा हुआ है। मतलब पूरी इक्वेशन में हमेशा जो भी नंबर है 111, इसमें 2222 लगा रहेगा। इस बेस पे अगर प्लस सो ऑन कर दें हम, और प्लस सो ऑन करते करते लास्ट टर्म लिखें an, तो देखिए an y होगा केवल, ठीक है ना, इज इक्वल टू x, इस तरह से हो जाएगी इक्वेशन। अब मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ an y होगा कैसे। तो देखिए an पे जब पहुँचोगे आप तो x टू द पावर n माइनस n हो जाएगा, भाई 2 की जगह n रख दोगे, और डी एन माइनस एन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस एन माइनस एन। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ए एन एक्स टू द पावर एन माइनस एक्स टू जीरो वन हो जाएगा, डी खत्म हो जाएगा क्योंकि डी की पावर जीरो गई, तो बस ए एन वाई ये बचेगा, यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। तो अगर हम पैटर्न वाइज सोचें तब भी वही आ रहा है, और वैसे आप जनरली देखो तो इक्वेशन में लास्ट में यही आता है, भाई हायर ऑर्डर का टर्म है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो लास्ट में वाई तो बचेगा, जैसे कि नॉर्मल इक्वेशंस में होता था इस चैप्टर में, डी वाई डी एक्स टू प्लस डी वाई डी एक्स प्लस इट्स समथिंग वाई, तो लास्ट टर्म पे वाई रहता ही था। वैसे यहाँ पे ये इक्वेशन है, इस तरह की अगर कोई इक्वेशन है तो हम उसे कहेंगे कि यहाँ पे ये इक्वेशन रिड्यूसिबल है, ये परिवर्तनशील है, हम इसे परिवर्तित कर सकते हैं। अब तरीके क्या होंगे परिवर्तित करने के, वो बात की बात है। ये लिख लीजिए आपने के रूप की है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिएगा इसे, जहाँ नीचे लिखिए जहाँ a0, a1, a2, so on, an अचर हैं तथा कैपिटल x, स्मॉल x का फलन अथवा अचर है, समघातीय रेखीय समीकरण, समघातीय रेखीय समीकरण कहलाता है, फुल स्टॉप। ऐसे समीकरण को एयलर कॉची समीकरण भी कहते हैं, ये नाम लिखा एयलर कॉची समीकरण भी कहते हैं। अब हेडिंग डाल दीजिए, ऐसी इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, हेडिंग डालिए समघाती समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान से देखिएगा इस प्रोसेस को, क्योंकि बाद में ये प्रोसेस जो है उसके रिजल्ट्स आप रट लोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस इक्वेशन को मैं इसी में समेट, एक ही लाइन में समेट देता हूँ, प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो उसके लिए क्या तरीका है, ये जो टर्म है इनको हमें चेंज करना पड़ता है। और ऐसा चेंज करेंगे कि ये वेरिएबल गायब हो जाए, भले ही कोई दूसरा वेरिएबल आ जाए। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो ये होता है कि स्टेप नंबर वन डाल दीजिए, पुट x इक्वल टू ई टू द पावर z, हमेशा यही सब्सटीट्यूशन करेंगे हर केस में, हर क्वेश्चन में आपको ये लिखना पड़ेगा पुट x इक्वल टू ई टू द पावर z। तो अगर हम ये सब्सटीट्यूशन करते हैं तो उस केस में क्या क्या फर्क पड़ेगा क्वेश्चन पे, ये देख लेते हैं जरा। पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लें, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू log e टू द पावर z, log e वन होता है तो z बच जाएगा बस, यानी कि z इज इक्वल टू log x। तो मैंने जो ये इक्वेशन नंबर सेकंड का सब्स्टिट्यूशन किया, कहने का मतलब ये है कि वो चीज़ इसके भी इक्विवेलेंट है, x पुट करना है तो e टू द पावर z पुट कर दीजिए, और z पुट करना है तो उसकी जगह log x पुट कर सकते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में log x को भी इन्वॉल्व कर दिया गया है, राइट साइड में कैपिटल एक्स में लॉग एक्स अभी तक नहीं सॉल्व किया था हमने, हमने ई टू द पावर एक्स या फिर एक्स टू द पावर एन, या फिर हमने सॉल्व किया है राइट साइड में साइन एक्स कॉस एक्स का, ठीक है ना, ई टू द पावर एक्स के साथ कॉम्बिनेशन सॉल्व किया है, और एक क्वेश्चन जनरल मेथड से सेक एक्स का हो जाता है। अब लॉग एक्स के टाइप के क्वेश्चंस भी इसी तरीके से सॉल्व हो पाएंगे, वो क्वेश्चन जब आएगा तो उसी तरह का होगा। तो जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स हो गया, यहाँ से आप अगर डी जेड बाई डी एक्स निकालो, डिफ्रेंशिएट कर दो, तो dz by dx is equal to 1 upon x हो जाता है, इक्वेशन नंबर फोर।
इन चीज़ों की जब जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो हम देखते रहेंगे कैसे क्या ज़रूरत पड़नी है। तो ये आपका स्टेप नंबर वन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं स्टेप नंबर सेकंड पे। ये चीज़ें मैं ज़रा किनारे रख देता हूँ। x इक्वल टू ई टू द पावर जेड, जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स, डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स। ये कुछ चीज़ें जो हैं हमारे काम की हैं, मैंने साइड में लिख दी और अब हम इसे मिटा देते हैं। अब जो काम करना है वो देखिए, किसी साइंटिस्ट ने, किसी मैथमेटिशियन ने सोचा होगा और तब उसने अपने दिमाग लगा के ये सब काम किया। ये सब्स्टिट्यूशन करने से हमारे जो ये टर्म हैं, ये वाले टर्म, ये सब जो हैं वो किसी फॉर्मेट में चेंज होने लगते हैं। और चेंज होने का तरीका क्या है, एक दो हम करके देखेंगे, फिर पैटर्न मिल जाएगा हमें और हमें फिर समझ आ जाएगा कि कैसे कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले हम निकालना शुरू करते हैं, हम कन्वर्ट करना शुरू करेंगे उधर से। इससे एक पहले क्या होगा, वाई से एक स्टेप पहले आपका क्या होगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यही तो होगा भाई। जैसे एन एन वाले उसमें एन है एक्स टू द पावर एन डी एन वाई बाई डी एक्स, इसमें वन डेरिवेटिव की पावर है और वन ही एक्स की पावर है। तो उससे एक पहले वाला एक्स डी वाई बाई डी एक्स, उसे सॉल्व करके देखते हैं। हम लिख लेते हैं ऐसा, नाउ एक्स डी वाई बाई डी एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स कॉमा एक्स क्यूब डी वाई बाई डी डी टू बाई डी टू एक्स क्यूब डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री कॉमा सो ऑन कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। मतलब अगर मेरे को इनके वैल्यूज निकालनी हैं तो इस तरीके से निकाली जा सकती हैं, क्योंकि हमें ये x गायब करना है तभी तो ये पुराना वाला फॉर्मेट बनेगा। तो हम एक एक करके दिखाते हैं आपको। पहले हम a पार्ट डाल लेते हैं, थोड़ा सा ये दिमाग लगेगा इसमें आपका, इसलिए मैं उतना ही खोल रहा हूँ उसे डिटेल में। a पार्ट लेते हैं हम इसका। देखिए मान लेते हैं सपोज़ हम डी वाई बाई डी एक्स निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसे ज़बरदस्ती जेड के कंसेप्ट से भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स। देखिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। डी जेड जीड हट गया, डी वाई बाई डी एक्स ही बचेगा। मेन चीज़ यहीं पे है, बस सारा दिमाग यहीं लगना है आपका। अच्छा ठीक, तो डी जेड बाई डी एक्स, अगर अब देखिए डी जेड बाई डी एक्स आपको यहाँ से पता है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप एक एक बिल्कुल डिटेल में करिए, समझिए पहले, क्योंकि पहली बार समझ रहे हैं आप। वन अपॉन एक्स हमने यहाँ रख दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी जेड इंटू वन अपॉन एक्स हो गया। यहाँ से आप एक्स को मल्टीप्लाई में ले आए तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बनता है, डी वाई बाई डी जेड। अब देखिए क्या हुआ, ये जरा अंदाज़ा लगाइए क्या हो कर दिया हमने, हमने क्या कर दिया है, जो x dy by dx था, यानी कि dy by dx में हमारी कोई इक्वेशन रहती तो उसके साथ x मल्टीप्लाई में आता, लेकिन जब हमने z सब्स्टिट्यूशन किया है x इक्वल टू टू द पावर z, तो हमारी वो वैल्यू केवल dy by dz में समेट गई, यानी कि जो स्टार्टिंग में वेरिएबल था वो गायब हो चुका है। तो हमारा ये जो टर्म है, ये पिछले जो चैप्टर्स हमने किए हैं 5.3 5.2 जो एक्सरसाइज करी है उनसे उनके जैसा हो गया जा करके। कुछ समझ आ रहा है क्या, ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स ये निकालना था ना मैंने, ये देखिए मैंने कैसे निकाल दिया, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी जेड, और इसे हम अब लिख सकते हैं एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, ये बॉक्स में बंद कर लीजिए, वेयर डी की वैल्यू डी बाई डी जेड। ध्यान दीजिए तीन इक्वल टू लगेंगे, इक्वल टू लगेगा, डी जो है वो हमारा ऑपरेटर किसके इक्वलेंट है, डी बाई डी जेड के इक्वलेंट है। और इस तरह से हमारा x dy by dx जो टर्म था जिसमें कि x प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, वो x अंदर एब्जॉर्ब हो गया। तो अब हम जरा दूसरा देखते हैं, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी टू बाई डी टू, इस वाले को निकाल के देखते हैं। दो ही निकालेंगे बस, हम उसी में हम थक जाएंगे। देखिए b पार्ट डालिए, अब स्टेप नंबर टू ही चल रहा है, b पार्ट देख रहे हैं हम। b पार्ट में हमें एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी टू बाई डी टू ये निकालना है, ठीक है ना। तो जरा फिर से स्टार्ट करते हैं कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू, इसे लिखा जा सकता है d बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ये इसी तरह से तो आता है, y को एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें और फिर उसके बाद दोबारा से करेंगे तो आपका d2y टू वाई बाई डी एक्स टू बनता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। इस वाले को फिर से पुरानी तरह से ट्रीट कर लीजिए, d बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स।
कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी में किसी को। और डी जेड बाई डी एक्स को फिर से रख लीजिए 1/x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाइड बाई डी जेड इंटू 1/x, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। और डिफरेंशिएशन करना है आपको, इस पर डिफरेंशिएशन के रूल्स लग जाएंगे, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट यानी कि 1/x डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी जेड प्लस सेकेंड डी वाई बाई डी जेड एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x। कंप्लीट करिए जरा। अब देखिए इज इक्वल टू 1/x, इसको जरा ध्यान से देखिए, इसे मैं डी बाई डी जेड डी वाई बाई डी जेड डी जेड बाई डी एक्स अगर मैं ऐसे लिख दूँ कोई दिक्कत है? डी एक्स की जगह डी जेड कर दिया है और उसको काटने का इंतजाम यहाँ कर दिया है और जो नीचे डी एक्स था वो यहाँ आ गया है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स 1/x का क्या हो जाएगा, माइनस 1/x स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन हो गया। डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू फिर से 1/x पुट कर दीजिए, तो 1/x स्क्वायर डी बाई डी जेड ऑफ डी वाई बाई डी जेड प्लस प्लस क्या माइनस हो जाएगा, माइनस 1/x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी सॉरी डी वाई बाई डी जेड चल रहा है, ये गलत लिख गया मैं, ये जरा कंप्लीट करिए रिपीट। ये देखिए d बाई डी एक्स है डी वाई बाई डी जेड, डी बाई डी एक्स को d बाई डी जेड किया और z एक्स्ट्रा आ गया, तो x कहाँ गया, वो x वहाँ चला गया और डी जेड जो एक्स्ट्रा है उसे काट दिया यहाँ से। आप ये देखिए इस चीज़ को एक काम निकालने के लिए ऐसे किया जा सकता है, यही तो उस मैथमेटिशियन ने सोचा होगा जिसने ये मेथड ईजाद किया होगा। अगर सिंपल ऐसे ही करके हो जाता तो हर कोई कर लेता ना। अब देखिए यहाँ पे 1/x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचता है डी वाई बाई डी जेड को डी वाई बाई डी जेड मतलब वाई का एक बार जेड में और डी वाई डी जेड दोबारा से, तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी जेड टू माइनस डी वाई बाई डी जेड, लेफ्ट साइड में जैकी चल रहा है डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर। यहाँ पे अंदर देखिए क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस डी वाई यानी कि एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू डी डी माइनस वन इंटू वाई। ये आपके पास एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू का हिसाब किताब आता है। तो अब यहाँ से आप पैटर्न पहचानिए ज़रा, मैं थोड़ा सा पहले वाला भी लिख देता हूँ यहाँ पे, जो एक्स डी वाई बाई डी एक्स आया था वो था आपका डी वाई, जब एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स टू पे गए तो वाई रहा, डी भी डी ही रहा, लेकिन एक डी माइनस वन और बढ़ गया। कहने का मतलब है टू पार होने पे माइनस वन पे और आ जाते हैं हम। अब सी पार्ट में लिखिए सिमिलरली, अब यही पैटर्न हम देख रहे हैं, अगर मेरे को एक्स थ्री डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री चाहिए तो ये हो जाएगा डी डी माइनस वन डी माइनस टू, तीन तक है ना, थ्री तक है तो टू तक आएगा बस एक कम तक इंटू वाई, ऐसी सो ऑन सो ऑन। अगर मुझे एक्स एन डी एन वाई बाई डी एक्स एन चाहिए तो डी डी माइनस वन डी माइनस टू सो ऑन एक एन से एक कम तक डी माइनस एन माइनस वन ये ब्रैकेट और इनटू वाई, इस तरह से ये सब्स्टिट्यूशन होते चले जाएंगे। और सारे केसेस में वेयर कैपिटल डी इज इक्वल टू डी बाई डी जेड, डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है डी बाई डी एक्स नहीं है बस डी बाई डी जेड है, क्योंकि हमने एक्स इक्वल टू ई टू द पावर जेड का सब्स्टिट्यूशन कर रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद करनी है कि एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी वाई में कन्वर्ट हो जाता है, एक्स टू डी टू बाई डी एक्स टू एक्स स्क्वायर डी बाई डी टू बाई डी एक्स टू डी डी माइनस वन वाई में कन्वर्ट हो जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्यूब वाला भी आ जाएगा क्वेश्चन तो उसमें डी डी माइनस वन डी माइनस टू इंटू वाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने एक तो वो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक्स इक्वल टू ई टू द पावर जेड, ये क्वेश्चन में करके इतना दिखाएंगे आप कि पुट एक्स इक्वल टू ई टू द पावर जेड तो जेड इक्वल टू लॉग एक्स पर डिफरेंशिएशन करके डी जेड बाई डी एक्स 1/x आ गया। ठीक है ना, और शिवम मिश्रा गुड मॉर्निंग, और बाकी फिर तीन चीज़ें वही ध्यान रखें, तब उसके बाद सीधे डायरेक्ट आप लिख दीजिए इसकी जगह पे ये, इसकी जगह पे ये, सब्स्टिट्यूट करिए इसमें और फिर आपकी इक्वेशन सॉल्व के ऐसे फॉर्मेट में आ जाएगी जो हमने पिछली एक्सरसाइजेस में सॉल्व किया है। तो स्टेप नंबर थ्री लिख लीजिए ज़रा, अच्छा यही एक्स का सब्स्टिट्यूशन राइट साइड में जो कैपिटल एक्स है उसमें भी कर देंगे आप, वो भी जेड में कन्वर्ट हो गया आ जाएगा। लिखिए राइट हैंड साइड में, स्टेप थ्री में राइट हैंड साइड में स्मॉल एक्स का पद भी जेड में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टेप नंबर फोर,
उपरोक्त मानों को समीकरण एक में रखने पर वह अचर गुणांकों वाले रैखिक समीकरण में परिवर्तित हो जाता है। स्टेप नंबर 5, तब पुराने बताए गए तरीकों से हल कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास जो हम ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। देखिए पहचानेंगे कैसे, आप पहचानेंगे ऐसे कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू लगा है तो इसका मतलब चैप्टर नंबर 5 का है, ठीक है। और उसके बाद एक्स स्क्वायर लगा है, मतलब केवल 2 और 4 लगे होते तो सही है, तो ये 5.1, 5.2, 5.3 का है क्वेश्चन। लेकिन अगर मान लिया सपोज करिए x भी लग गया तो ये फिर 5.4 एक्सरसाइज का पहुंचेगा जाकर, मतलब इस इक्वेशन को रिड्यूसेबल वाले मेथड से करना पड़ेगा। और राइट साइड में आपका दिया है कुछ ना कुछ, इसका मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकलेगा। अगर राइट साइड में 0 होता तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल आता, तो यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकलेगा, और सब्सटीट्यूशन हमें x इक्वल टू ई टू द पावर जेड का सब्सटीट्यूशन भी करना पड़ेगा इसके अंदर। तो ये सब बातें ध्यान में रखते हुए हम जरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पुट एक्स इक्वल टू ई टू द पावर जेड, तो यहाँ से आप देखिए लॉग एक्स इज इक्वल टू जेड हो जाएगा, उलट के लिख दो जेड इक्वल टू लॉग एक्स, तो यहाँ से डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x हो गया। हेंस अब ये सब्स्टिट्यूशन करके वो जो प्रोसीजर है वो सब हमने हटा लिया, जो कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं था, डी टू वाई डी एक्स टू निकाल रहे थे या एक्स ये निकाल रहे थे, वो सब हटा के हम सीधे लिखेंगे ये कि हैंस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू हमारा जो बन जाएगा वो डी डी माइनस 1y बन जाएगा। समझ आ रहा कुछ क्या बोल रहा हूँ मैं? और जो एक्स डी वाई बाई डी एक्स है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारा बन जाएगा डी वाई। साथ ही साथ हमारा ये जो x टू द पावर 4 है, x टू द पावर 4 जो है ऑल्सो x टू द पावर 4 बन जाएगा हमारा। x टू द पावर 4 का मतलब समझते हैं, x की जगह पे e टू द पावर z डाल दीजिए तो ये e टू द पावर 4z बन जाएगा। लिखिए जरा और मुझे बताइए समझ में आ रहा है आपको कि नहीं। ये चीज़ें हमने शो नहीं करनी है, ये हमने रटी रटाई लिख दी हैं, इनको करने का तरीका हम देख चुके हैं पहले पिछले वीडियो में, इसलिए हम उसको डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। बाकी ये देखिए, और यहाँ पर आप ये भी लिख दो d इज इक्वल टू कितना है, इक्वल टू d बाई डी जेड। कहीं ऐसा ना हो पुराने तरीकों से आप समझते रहो कि d बाई डी एक्स को डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं, यहाँ पे d बाई डी जेड है, ये कैपिटल D को डिनोट कर रहा है। इसको फर्स्ट डाल दीजिएगा इक्वेशन। अब मैं लिखता हूँ जरा यहाँ पे, हैंस इक्वेशन नंबर फर्स्ट बिकम्स, हैंस इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, तो क्या बन जाएगी इसकी जगह पे आप लिख दोगे डी डी माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 एक्स डी वाई एक्स की जगह डी वाई, टू डी वाई माइनस 4y इज इक्वल टू ई टू द पावर 4z, ये बनी इक्वेशन। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2d माइनस 4y इक्वल टू ई टू द पावर 4z। ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4y इज इक्वल टू ई टू द पावर 4z, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ध्यान से देखिए, हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट थी वो होमोजीनियस थी और उसे हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है 3, 4, देखिए सब 1, 3, 4 कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हो गए हैं। और ये क्वेश्चन देखिए, जो एक्स 4 था वो ई टू द पावर 4z में कन्वर्ट हो गया है। बहुत अच्छी तरह से हमें मालूम है ई टू द पावर 4z को क्या करते हैं। तो अब उसके बाद ये क्वेश्चन हमारा पिछले जैसा बन गया है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। चूँकि ये पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, तो इसे सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ मैं। अब देखिए इसे सॉल्व करने पर आ जाते हैं हम। देखिए सबसे पहले CF का काम करेंगे आप, तो CF में ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के, और देखिए अब Y और Z में बची है इक्वेशन, ठीक है ना, तभी तो यहाँ पे D बाई डी जेड कहा जा रहा है। तो CF जो आएगा आपका Y इज इक्वल टू समथिंग सी वन समथिंग टू द पावर जेड, जेड की फॉर्म में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप सी वन ई टू द पावर अल्फा एक्स एक्स ही लिख दें, जेड की फॉर्म में आएगा। ये काम कर लेंगे आप CF। मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल पे आता हूँ और PI को मैं जरा मिटा देता हूँ इसको कुछ, तब इसके बाद लिखता हूँ। PI इज इक्वल टू होता है x अपॉन FD। अमित ध्यान दो, तुम x की वैल्यू तो डाल देते हो और FD नहीं डालते हो। पहले तुम केवल फॉर्मूला लिखो x अपॉन FD, उसके बाद तब उसमें दोनों वैल्यू डाल दो, x की वैल्यू e टू द पावर 4z
अपॉन इसकी वैल्यू डी स्क्वायर माइनस थ्री डी माइनस फोर, ये पीआई होगा। अब देखिए क्या ई, वैसे तो डी की जगह फोर रखना है, लेकिन डी की जगह फोर रखने पे जीरो तो नहीं हो रहा है, तो फोर का स्क्वायर यानी कि सिक्सटीन माइनस फोर थ्री या ट्वेल्व माइनस फोर, सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन जीरो, गड़बड़ हो गई भाई। ई टू डी की जगह फोर रखने पे जीरो हो रहा है, तो ऐसे में फिर क्या किया जाता है, ऐसे में क्या करते थे, x इंटू वन अपॉन एफ डैश डी कैपिटल x, ये लिखते थे ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x तो है ही नहीं, x तो z में कन्वर्ट हो गया, z वन अपॉन एफ डैश डी, और जो भी ये x राइट साइड में है वो x भी क्या हो गया है, वो x भी अब z में कन्वर्ट हो चुका है। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो इसलिए आप चाहें तो उसे z लिखें यहाँ पे अपॉन एफ डी और e टू द पावर फोर जेड, और ये z इंटू वन अपॉन एफ डैश डी और e टू द पावर फोर जेड, ये हो इस तरह हो जाएगा। तो z इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2d डी माइनस थ्री और e टू द पावर फोर जेड। अब देखिए d की वैल्यू 4 रख दीजिए, क्या जीरो आ रहा है, 4 टू जेड माइनस थ्री फाइव, जीरो नहीं आ रहा, तो ठीक है अब ये आंसर हो जाएगा हमारा, जेड इंटू वन अपॉन फोर टू जेड में फाइव ई टू द पावर फोर जेड, तो z बाई फाइव ई टू द पावर फोर जेड, ये हमारा पी आई हुआ। अच्छा सी एफ जो निकाला था उसको भी जेड जब आया, जेड में आया है तो जेड को फिर हमें एक्स में कन्वर्ट करना था, वो काम वहीं सी एफ में कर दिया हो, कर देना। यहाँ पर देखिए पी आई जेड में आया है, अभी इसे कन्वर्ट करेंगे, जेड बाई फाइव, जेड कितना है, हमने किसको माना था, एक्स टू द पावर फोर को, जेड एक्स टू द पावर कितनी, एक्स को कितना माना था, ई टू द पावर जेड, तो यानी कि जेड इज इक्वल टू कितना हुआ जाके, लॉग एक्स हुआ। तो z को हम लिखेंगे log x अपॉन 5 और e टू द पावर 4 z, e टू द पावर z x है तो x रखेंगे तो x टू द पावर 4, तो ये आपका pi जो निकल के आएगा x टू द पावर 4 अपॉन 5 log x, ये इक्वेशन नंबर नेक्स्ट पड़ जाएगी। cf जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया था वो कुछ इक्वेशन नंबर रही होगी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल आ चुके हैं आपके, तो सॉल्यूशन विल बी y इज इक्वल टू cf प्लस pi, दोनों वैल्यूज रख दीजिए आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। उम्मीद है अब आप कंप्लीट कर देंगे, मैंने 90% क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, 10% जो इधर उधर बची हैं चीज़ें वो आप कर लेंगे। इत्मीनान से कूल माइंड से इसको बैठ के करिएगा तो सब क्लियर हो जाएगा। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि आपका तीन बार बोर्ड में आया हुआ है, तो उसको कर लीजिए और फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज करने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हैं। और क्वेश्चन में कोई वो नहीं है, कोई ऐसा ही बात नहीं है कि मैं कुछ नया बताने वाला हूं, बस ये है कि एक क्वेश्चन करने के बजाय दो करने ज़्यादा ठीक है। राइट साइड में अगर log x दिया है तो कैसे होगा, ये समस्या भी आपकी आँखों से एक बार गुजर जाएगी, फिर आपको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास, हल करें एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई एक्स लॉग एक्स, ये है क्वेश्चन, 2000 में आया है, 2008 में आया है, 2015 में आया है, देखिए 8 साल बाद आया, फिर 7 साल बाद आया, तो 6 साल बाद यानी कि 2021 में, एक एक साल कम हो रहा है ना, तो 2021 में आने के चांस है। और इससे ये भी पता लग जाएगा कि अगर राइट साइड में log x है तो क्या तरीका होगा। तो देखिए चाहे तो आप लिख सकते हैं कि विच इज़ द होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, और अब इसके बाद इसमें पुट x इक्वल टू e टू द पावर z, ये पुट करेंगे हम, तो यहाँ से log x इज इक्वल टू z हो जाएगा, यानी कि z इक्वल टू log x, यानी कि dz जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन x, ये हो जाएगा। ऑल्सो आपका जो x dy बाई डी एक्स है वो आपका dy हो जाएगा, ये तो कहानी की तरह लिखना ही लिखना है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू जो है आपका डी डी माइनस वन इंटू वाई, ये हो जाएगा जा करके। और साथ ही साथ x log x कैसे कन्वर्ट होगा देखिए जाएगा, ऑल्सो ये यहाँ पे लिख देते हैं, ऑल्सो कैपिटल x इक्वल टू जो x log x है हमारे पास, ये x की जगह पे आपका e टू द पावर z पुट हो जाएगा, log x की जगह पे क्या पुट हो जाएगा, log x की जगह पे z पुट हो जाएगा।
अब देखिए x log x को तो सॉल्व करना नहीं पता था, लेकिन z e टू द पावर z को तो पता है ना। e टू द पावर z को बाहर निकालेंगे तो d की जगह d प्लस वन हो जाएगा, और फिर जेड से वो करेंगे तो बाइनोमियल हो सकता है लग जाए, अगर d ही बचेगा केवल तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, और नहीं तो बाइनोमियल तक जाएगा। तो ये हमारे अप्रोच में है, ये हम कर सकते हैं, ये हमारे पास इसका तरीका नहीं था। इसको ये हमारे पास जो है वो ये स्मॉल जेड है, ये कैपिटल जेड बन गया जा करके। तो ये सब्स्टिट्यूशन कर देंगे हम इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसे मान लें। तो सब्स्टिट्यूटिंग इन फर्स्ट वी गेट क्या मिलता है, मैं थोड़ा लाइन मिटा के इसके नीचे लिख देता हूँ, या बल्कि उसके भी ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि बाद में उसी का काम रहेगा। तो इसकी जगह पे आपका देखिए क्या आ गया, डी डी माइनस वन इंटू वाई माइनस इसकी जगह पे डी वाई प्लस टू वाई इज इक्वल टू जेड ई टू द पार जेड ई टू द पार जेड। खैर बहरहाल हम इसे सॉल्व करते हैं, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस डी वाई, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस टू वाई इक्वल टू जेड ई टू द पार जेड। डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस टू वाई इज इक्वल टू ई जेड ई टू द पार जेड, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गई। सी एफ आप अपने आप निकालिएगा, y इज इक्वल टू समथिंग जेड में आंसर आएगा, जेड को फिर x में कन्वर्ट कर लेंगे, रिलेशंस क्या लगेंगे वो हमने देख रखे हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल देखिए कितना होगा, z अपॉन एफ डी, तो z की वैल्यू z e टू द पार z अपॉन डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस टू। सी एफ के लिए जगह छोड़ दीजिएगा और उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। पी आई जो है हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, इसमें देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले e टू द पार z बाहर निकालेंगे और 1 अपॉन देखिए क्या हो जाएगा, d प्लस वन का स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन प्लस टू, और z बाहर रह जाएगा। अब इसके बाद देखिए कैसे करेंगे, e टू द पार z 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन प्लस टू डी माइनस डी प्लस टू जेड। ये e टू द पार z 1 अपॉन कितना बना, टू डी कैंसिल हो गया, और डी स्क्वायर माइनस डी प्लस थ्री ये जेड बना। क्यों डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस टू बन रहा है, माइनस टू डी प्लस टू, हाँ ठीक, डी स्क्वायर प्लस वन प्लस टू डी, वन प्लस डी स्क्वायर आ रहा है, देखो जरा यहाँ पे टू होगा, कहाँ पे टू होगा भाई, अरे ठीक है जी, ये पता नहीं कैसा लिख दिया मैंने, सही कह रहे हो, टू डी माइनस टू होगा, ये टू डी माइनस टू है, हाँ तब सही आ जाएगा, वही मैं कहूँ ये मेरा सही क्यों नहीं आ रहा है, डी स्क्वायर प्लस वन बचा बस, ये राइटिंग जो है धोखा दे गई मुझे मेरी, टू है। अब देखिए आपका डी स्क्वायर, अगर केवल ये डी स्क्वायर बचता तो आपका दो बार इंटीग्रल होता, काम हो जाता, ठीक है, लेकिन अब वन प्लस डी स्क्वायर है तो फिर आप इसे बाइनोमियल से एक्सपेंड करेंगे। तो e टू द पार इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू चलाते रहिएगा, e टू द पार z 1 प्लस डी स्क्वायर टू द पार माइनस वन जेड, एक ही पावर तक खोलना पड़ेगा आपको, e टू द पार z 1 प्लस एन एक्स यानी कि माइनस वन डी स्क्वायर प्लस सो ऑन इंटू जेड, इसको इधर लिखता हूँ, देखते रहिएगा कोई गलती हो जाए मेरी तो बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका e टू द पार z 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस सो ऑन जेड, तो हो जाएगा e टू द पार जेड जेड माइनस डी स्क्वायर जेड प्लस सो ऑन। डी जेड का एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 1, दूसरी बार करेंगे तो 0, तो ये जेड e टू द पार जेड ही आएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, अच्छा जेड e टू द पार जेड, जो मतलब ऐसा है वो चेंज नहीं हुआ हमारा, जेड e टू द पार जेड ही आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसमें जेड की वैल्यू रख दीजिए log x, और ये इंटू कितना हो जाएगा, इंटू ये e टू द पावर z तो x था ही, तो x log x हो गया, ये हमारा पी आई आ गया। इक्वेशन नंबर डाल दीजिए, सी एफ इक्वेशन नंबर कुछ था ही पहले, और सी एफ पी आई दोनों आ गए, दोनों हमने इसमें पुट कर दिए, y इज इक्वल टू हैंस कम्प्लीट सोल्यूशन विल बी y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ये वाली वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा, पी सी एफ यहाँ पर आ जाएगा, टोटल मिला के वो आंसर हो जाएगा, वो कई बार कर चुके काम तो वो हमारे लिए सेल्फ अंडरस्टूड है। तो इस तरह से ये दो क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चन हमने देख लिए, सारे क्वेश्चन इसी तरह के हैं, आप जितने चाहें ट्राई कर सकते हैं। चलिए तो क्लास ख़त्म करते हैं, हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे, थैंक यू, ओके।